हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी चीजों से जुड़ी कई परंपराएं बताई जाती है, जिनके द्वारा आप जीवन में सभी परेशानियों की छुट्टी कर नया हंसता खेलता जीवन जी सकते हैं। ऐसे में नाखून काटने के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यहाँ कुछ मान्यताएं बताई जा रही हैं, जो नाखून काटने से जुड़ी हैं। सूर्यास्त और रात्रि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय और रात्रि में नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसका कारण माना जाता है कि इन समयों पर मां लक्ष्मी नाखून काटने से नाराज हो सकती हैं तथा आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। अमावस्या। कुछ लोग अमावस्या को नाखून न काटने की सलाह देते हैं। इसके अनुसार अमावस्या को नाखून काटने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती है और जीवन में द्वेख बने रहते हैं। शुक्ल पक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार नाखून काटने के लिए शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा अशुभ माना जाता है। सोमवार। कुछ लोग नाखून काटने को सोमवार के दिन को मना करते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। मंगलवार। ज्योतिष शास्त्र में कुछ लोग मंगलवार को नाखून काटने के लिए अशुभ मानते हैं। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि मंगलवार को भगवान हनुमान के दिन के रूप में माना जाता है और नाखून काटने से आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। यह आमतौर पर उन लोगों के लिए होता है जो हनुमान जी के व्रत रखते हैं। गुरुवार। कुछ लोग नाखून काटने को गुरुवार बृहस्पतिवार को मनाही करते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाखून काटने से वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। श्राद्ध काल में नाखून काटना। हिंदू धर्म में श्राद्ध काल में नाखून काटने से बचने की सलाह दी जाती है। श्राद्ध काल अपने पितरों की आत्मा को श्रद्धा और नमन का अवसर माना जाता है और इस समय नाखून काटने से जीवन में कई सारी समस्याएं आती है।